अरे माँ दो लोग सो जाएंगे अंदर, हमारे एक कस्टमर तो बोल रहे थे 2 लाश आ जाएगी। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू विन विन व्लॉग्स, नया दिन और नया व्लॉग। तो थोड़ा लेट हो गया है, निकल रहा हूँ मैं जिम के लिए और अभी चलते हैं जिम। 15 साल से ही हमारे वॉचमैन है और इतने अच्छे वॉचमैन है कि ड्राइविंग भी सीख लिया इन्होंने। ये सारी गाड़ियाँ यही धोते हैं और गाड़ियों को चलाते भी यही है। पहुँच गए हैं जिम और हमारी सब्सक्राइबर बैठी हुई है। थैंक यू मैडम, कैसा लग रहा है वीडियो देखे? बहुत ही मैंने लाइक भी किया था। देखो हम इससे स्टार्ट करने वाले हैं और इसको बोलते हैं ओवरहेड स्क्वाट्स। यस, ये विशाल सर मार रहे हैं, इसके बाद मैं मारूंगा। इतना नहीं मारूंगा, रिलैक्स हो जाइए, इतना नहीं मारूंगा, बहुत कम मारूंगा। भी खाएंगे पेर और फिर इसके बाद प्रोटीन। मेरी नई बुक जेन इन द आर्ट ऑफ आर्चरी माइंड से रिलेटेड है कि कैसे आप एक जोन पे कंसंट्रेशन करके आप बहुत अच्छा कर सकते हो। टिफिन भी रेडी है, मम्मी ने रेडी करके दे दिया, थैंक यू, बाय बाय। फिलहाल चलते हैं ऑफिस और करते हैं दिन की शुरुआत। चलो गाइस, इट्स ऑफिस टाइम, स्टूडियो जाते हैं, एडिट करते हैं और बाकी सारे काम करते हैं। भाई गर्मी तो कुछ ज्यादा ही ज्यादा है, ऐसा लग रहा है कि बर्फ साथ में लेके चलूं, इतनी गर्मी है। थोड़ा ट्रैफिक कम दिख रहा है। हम मुंबईकर्स की आधी लाइफ सिर्फ ट्रैफिक में चली जाती है, ट्रैवलिंग में। आ गए हैं ऑफिस, शायद विनीत आ गया है स्टूडियो में, तो देखते क्या कर रहा है। विनीत एडिट कर रहा है। ये अरे इसको भूख लग गई है। यस, यस, यस। ना काम ना काज का दुश्मन अनाज का, गजब बेइज्जती है। और आज कैंटीन पूरा फुल है। मिल गई, अरे वाह, प्रतीक की दुआ से चेयर दे दी। प्रतीक भी आजकल कैमरा चालू होता तो एक्टिंग चालू कर देता है फुल। यहाँ पे अभी कुछ मुझे अलग पोर्ट्रे करना पड़ेगा। इडली, चटनी, सांभर बस, बहुत रूखा सूखा खाना है। अन्ना कैलकुलेशन लिख रहे, बताओ क्या है। अभी पहले कैंटीन का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, हिसाब में बहुत प्रॉब्लम, झोल झार हो रहा था, लग रहा था कैंटीन अभी प्रॉफिट में चल रहा है। प्रॉफिट में है ना, इसे वापस आया ना, वापस इसीलिए आया ना, प्रॉफिट में चल रहा है इसलिए। बोलो अपनी दुख दुविधा जो भी है पूरा कैमरा के सामने खोल दो। मैं 1 रुपया नहीं रखता हूँ भाई, अपना सीधा सामने सामने क्लियर रहता है, उनका कुछ भी नहीं है। चलो अन्ना हमारा कैंटीन संभालते हैं, खाना देखिए ये सब खाना सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं। सैंडविचेस है, स्नैक्स है, ऑमलेट है, टी, कॉफ़ी, लेमन टी, सब कुछ मिलता है यहाँ। तो अभी मैं लंच करने बैठा हूँ तो ये है क्रिस्पी लेडी फिंगर, पनीर की सब्जी, रोटी, थोड़ा ड्राई फ्रूट। अब जा रहे हैं काम करने के लिए, काम बहुत पड़ा हुआ है क्योंकि बहुत सारे ब्लॉग्स भी शूट करने हैं। पेट तुम्हारा जो बढ़ रहा है, इसका राज क्या है? यो हनी सिंह आज तो जिम जाके आया लग रहा है। नहीं नहीं गाइस, जिम का जॉब ही नहीं जाता हूं। जिम का मतलब जेड होता है। तो जिम का जेड थोड़ी होता है, जिम का तो जी होता है। जी होता है तो जी है ही नहीं मेरे अल्फाबेट में कि जाऊं जिम। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जैसे बाल जरूरी है लाइफ में, बाल जरूरी है, वैसा बॉडी भी जरूरी है, सब जरूरी है, थोड़ी है जरूरी है तो बॉडी तो जरूरी। पर बाल बाल मस्त है, क्या केयर के लिए क्या करते हैं? उधर एक बार ऐसे टोपी निकाल के बताओ भाई, रियल है क्या? रियल, ये रियल बाल नहीं है। ये आदमी का चेस्ट चौड़ा ही होते जा रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए, थोड़े टाइम के बाद इसका शर्ट से फट के बाहर आएगा। हम लोग ह्यूंडई के शोरूम में जा रहे हैं क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम जो मारुति सुजुकी के शोरूम में गए थे ब्रेजा कार बुक करने के लिए, तो वो तो भाई साहब वो लोग तो 8 महीना वेटिंग बोल रहे हैं। कुछ नहीं डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट बोले डिस्काउंट छोड़ो, तुमको 8 महीने में गाड़ी दे रहे वही बहुत बड़ी बात। 10 महीना, हाँ 8 से 10 महीना बोला, तो उतना तो रुका ना जाए हमसे। तो अभी हम लोग दूसरा ऑप्शन देखने जा रहे हैं, ह्यूंडई वेन्यू।
चलो गाड़ियाँ देखते हैं कैसी है यार। ट्रैफिक तो है। आज करेंगे गाड़ियों की बातें, हेल्थ की बातें। हेल्थ नहीं होगी तो गाड़ियाँ चलाओगे कैसे बताओ। ड्राइवर चलाएगा, काम करो, ड्राइवर चलाएगा। एक काम करो, सब्सक्राइब करके बताओ। नहीं नहीं, ड्राइवर चलाएगा ना गाड़ी, हेल्थ अच्छी नहीं होगी। जो भी है सब्सक्राइब करके बताओ। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं Hyundai शोरूम। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं जो गाड़ी मैं आपको बता रहा था, Hyundai Venue और Hyundai Creta, सब देख लेते हैं कौन सी गाड़ी ऑप्शंस में अवेलेबल है। ये Venue है और सर हमें दिखा रहे हैं Venue के कलर्स। एक बार थोड़े Venue के कलर्स भी देख लेते हैं। ये डेनिम ब्लू आएगा जो खड़ा है, ये ब्लू है, और ये रेड आएगा, रेड आएगा, और ये ड्यूल टोन आएगा, ब्लैक और रेड आएगा, और ये ब्लैक आएगा, फैंटम ब्लैक, फैंटम ब्लैक, और ये पोला वाइट आएगा, और ये टाइटन ग्रे, टाइटन ग्रे सेम दिस एज ग्रे, और ये टाइपून सिल्वर आएगा। ओके, और ये इंटीरियर ऐसा आएगा, इंटीरियर स्टैंडर्ड आएगा, सेम है। अब ये एंडलाइन आपको दिखाता हूं मैं। हां, फिर रेड के बैचेस आएंगे, कोई भी कलर देंगे। हाँ, पर इंजन कम है ना मेरे भाई, 1000 cc का इंजन है इसमें, बट पावर आउटपुट पावर ज़्यादा है, एवरेज में मार खाएगा वो। तो Venue थोड़ी पसंद नहीं आ रही थी, Venue नहीं पसंद नहीं, तो वरना थोड़ी वरना अच्छी लग रही है। वरना में 1.5 लीटर इंजन है भाई। तो सर ये आप, ये 1.5 लीटर है ना, 1.5 बड़ी है। इसका टॉप एंड अपना कितने तक जाएगा पेट्रोल में? पेट्रोल में टॉप एंड जाएगा IVT या तो एक IVT जाएगा आपको 1993, और ये DCT जाएगा 2093। अच्छा, Venue से भी महंगा है ये। और माँ, दो लोग सो जाएंगे अंदर। तो हमारे कस्टमर से वो बोल रहे थे कि सो जाओ। हमारे एक कस्टमर तो बोल रहे थे 2 लाख आ जाएगी। EV का बेनिफिट भी है और ड्रॉबैक भी है। तो शॉर्ट डिस्टेंस आप मुंबई में घूम रहे हो तो ठीक है, लोकल नहीं तो स्टेशंस लगा देंगे ना लोग। अभी सेटअप आने के लिए टाइम लगेगा, सेटअप स्टेशन लगाएंगे तो आधा घंटा रुकना पड़ेगा ना तुमको। अभी सेटअप आया नहीं ना प्रॉपर। नहीं, अभी बिल्डिंग्स ने क्या अच्छा कर दिया, नए बिल्डिंग्स बन रहे हैं ना, जो चापना जो पार्किंग स्पेस है ना उधर ही स्टेशंस दे। करेक्ट, अभी कैसा है ना वो बेस्ट। पहले अभी जो बिल्डिंग्स अभी जो नई इक्विप है ना उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है, सोसाइटी वाले को NOC लो, फिर BMC हाँ। वाले का भी NOC लो हाँ। ये बहुत सारा मगजमारी चल रहा है, फिर वो प्लेस देगा, फिर उधर ही लगाना है, तुम्हारा कार वहाँ पे लगना चाहिए, बहुत मगजमारी है। तो अभी विनायक ने गाड़ी देख ली है और गाड़ी नहीं पसंद आई, इसको इतनी बेटर नहीं लगी। चलो एनीवेज, पसंद नहीं आई तो अभी आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। आपको मज़ा आया होगा आज का व्लॉग देखने में, तो प्लीज शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू Win-win vlogs। और विनायक जाएगा अभी ऑफिस काम करने और मैं जाऊंगा घर पे, और कल मिलेंगे एक तड़कते भड़कते एपिसोड के साथ। हाँ, विनायक आइटम सॉल्व कर रहा है।